वेलकम अगेन फ्रेंड्स। दोस्तों एक बार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए थैंकफुल हूं, आपने इस वीडियो को इतना पसंद किया, इस ट्रेनिंग के पार्ट को आपने पसंद किया। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम सब लोग इस समय हर्बल लाइफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग, पार्ट टू पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। तो अब हम इस अमेजिंग ट्रेनिंग के पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इससे पहले के हमारे पार्ट्स को नहीं देखा है, इस ट्रेनिंग के पार्ट्स को नहीं देखा है, तो आप जल्दी से जल्दी उन सभी पार्ट्स को देख लीजिए, जिससे इस अमेजिंग ट्रेनिंग का कोई भी पार्ट, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना होने पाए। उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी अगली स्लाइड पर आते हैं। आपको डीएमओ, आपको अपने डीएमओ यानी कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से डीएमओ कर रहे हो। डीएमओ मतलब डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। इसमें आप किसी से लाइव बात कर रहे हो, वो भी एक डीएमओ है। आप किसी को फोन पे कॉन्टैक्ट कर रहे हो, वो भी एक डीएमओ है। आप किसी को व्हाट्सएप कर रहे हो, वो भी एक डीएमओ है। आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी को चीजें बता रहे हो, वो भी एक तरह का डीएमओ है। साथ ही साथ कुछ और डीएमओज हैं, जैसे आप एफ्रिश पार्टी भी करते हो, वो भी एक डीएमओ है। शेक पार्टी करते हो, वो भी एक डीएमओ है। किसी से आप लाइव मीटिंग करते हो, मुलाकात करते हो, दो चार छह लोगों के साथ आप बैठते हो, वो भी एक डीएमओ है। आप हेल्थ कैंप लगाते हो, वो भी एक डीएमओ है। तो दोस्तों डीएमओज किस किस तरह के हो सकते हैं, कितने ज्यादा हो सकते हैं, कैसे कैसे हैं, किस किस तरह से उस पर काम करना है, मैं इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट डीएमओज की आपसे बात करने जा रहा हूँ। वो क्या है कि आप एफ्रिश पार्टी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप दो चार छह लोगों को एक साथ में करके एफ्रिश बनवा करके उनसे हेल्थ की बातें करिए। अगर वो एसोसिएट है सारे या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो आप उनसे बिजनेस की बातें कर सकते हैं, हेल्थ और बिजनेस दोनों की बातें कर सकते हैं। साथ ही साथ शेक पार्टी में भी आप यही सब कर सकते हैं। आप किसी से मीटिंग लाइव मिल करके या जूम कॉल पे बैठ करके या मोबाइल पे अपने एक साथ व्हाट्सएप कॉल करके, कॉन्फ्रेंस कॉल करके आप डीएमओ कर सकते हैं। आप डीएमओ मतलब टोटल इस स्लाइड में आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको डीएमओस पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर जगह आपको अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी लाइफस्टाइल, अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी हेल्थ के बारे में बात करना है, बताना है, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके साथ आएंगे यहाँ पे। लेकिन आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी से आपको हेल्थ की बात करनी है और किसी से बिजनेस की बात करनी है, और किसी से हेल्थ और बिजनेस दोनों की बात करनी है। तो दोस्तों हमें आगे बढ़ने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमारे डीएमओस पे काम करना है, और वो डीएमओस हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लोगों तक की हमें अपने आप को पहुंचाना है, या यूं कह सकते हैं हमें लोगों तक की मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल पे हमें काम करना है, हमें लोगों तक की पहुंचना है। तो हमें ये खुद डिफाइन करना है कि कौन सा डीएमओ हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या किस डीएमओ को करने में लिए, या किस डीएमओ को करने में हम आज की डेट में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। लेकिन हमें फ्रेंड्स आगे बढ़ने के लिए मैक्सिमम डीएमओस हमें यूज़ करने हैं। आप फ्लायर भी कर सकते हो, वो भी एक डीएमओ है। आप लोगों को रिजल्ट शेयर करके भी एक डीएमओ कर सकते हो। आप नए नए लोगों से बात करके अपना डीएमओ कर सकते हो। तो आपको जितना हो सके मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डीएमओस पे काम करना है। दोस्तों इसके बाद हम लोग अगली स्लाइड पर आते हैं। वो स्लाइड का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा इस ट्रेनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको इस पर बहुत खास फोकस करने की जरूरत है। वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। स्पेशल केयर रिजल्ट ऑफ एवरी टीम पर्सन। अपनी टीम के लोगों का, अपनी हर्बल लाइफ की जो आपकी एक फैमिली क्रिएट हो रही है, इसके हर पर्सन का आपको स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है। आपको उनके रिजल्ट पे खास फोकस करना है कि उनका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो आफ्टर 15 डेज उनके अंदर कोई चेंज आया नहीं आया, आफ्टर 1 मंथ उनके अंदर चेंज आया नहीं आया, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, उनके रिजल्ट पे काम करना है, उनके रिजल्ट को बूस्ट करना है, दिन ब दिन उनके हेल्थ को अच्छा करना है, उनके रिजल्ट को अच्छे से अच्छा बनाना है, और हमें सर्टिफाइड कंज्यूमर्स क्रिएट करने हैं। हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ सामान बेच देना किसी को हमारा पर्पस
हो ही नहीं सकता है। अगर आपके मन में इस तरह की सोच है तो आप अपनी थिंकिंग को, अपनी मेंटेलिटी को जहां तक हो सके आज से ही बदल दीजिए, क्योंकि हम सामान बेचने वाले, हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट बेचने वाले सेल्समैन बिल्कुल नहीं है। हम रिजल्ट के लिए काम करते हैं, हम लोग सर्विस देते हैं लोगों को दिन ब दिन उनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खुद भी अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के हम लोग काम करते हैं, दूसरों की पर्सनैलिटी पे भी काम करते हैं। तो हमें लोगों के रिजल्ट को जितना हो सके अच्छे से अच्छा करना है। लेकिन यहाँ पे आपको ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि हर आदमी की बॉडी का रिस्पॉन्स रेट अलग अलग होता है। सबके साथ आप एक जैसा कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग वगैरह का जब आप पार्ट बनोगे तब आपको पता चलेगा कि किस किस तरह से कैसे करके हमें लोगों के साथ बातचीत करनी है, हमें क्या कहना है उनसे, क्या नहीं कहना है। लेकिन दोस्तों, ये आपके बिजनेस की पूरी निचोड़ इस स्लाइड में है कि जब तक कि आप इस स्लाइड के कंटेंट पे आप ध्यान नहीं देंगे, आप देखेंगे कि आपका बिजनेस अपनी जगह पे बढ़ नहीं पाएगा। आपको लोगों का केयर करना है। जब आप लोगों का केयर करोगे तो इसमें आपकी केयर खुद ब खुद होती जाएगी। आपको क्या करना है कि अगर किसी भी फैमिली से एक कोई मेंबर आपका यूजर बनता है, आपको उसके साथ मेहनत करके, उसका ख्याल रख करके, उसका ध्यान रख करके उसके रिजल्ट को इतना अच्छा कर देना है कि उसके फैमिली के और भी मेंबर इस अमेजिंग प्रोडक्ट के यूज़र बन जाएं, आपकी हर्बल लाइफ फैमिली का वो भी एक पार्ट बन जाएं। पहले उसकी फैमिली आपके प्रोडक्ट की लवर बन जाए, और उसके बाद जब ये सेटिस्फाइड कस्टमर उसके बाद फ्रेंड्स जब ये सेटिस्फाइड कंज्यूमर आपका हो जाएगा तो आप खुद भी देखिए कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी सामान से या किसी भी कंपनी से अगर हम सेटिस्फाइड होते हैं, हम जाने अनजाने कितना उसकी मार्केटिंग, कितना उसका एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं। सपोज करिए कि आप घर में कोई अच्छी चीज़ लेकर के आए और अगर वो चीज़ अच्छी निकल गई तो आपके घर में कोई दूसरा आता है, तो जब भी आप उस चीज को उसके सामने यूज करते हो या वो भी आपके साथ में यूज करता है तो आपके मुंह से यूं ही निकल जाता है कि यार ये चीज मैं लेकर के आया था और इस चीज का रिस्पांस बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है या अच्छा सामान बनाती है, अच्छा सामान देती है। तो दोस्तों, ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है, जाने अनजाने में हम लोग कितना यूं ही करते रहते हैं जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि हमें अपने टीम के लोगों को सेटिस्फाइड करना है। जब हम सेटिस्फाइड करेंगे तो वो क्या करेंगे कि वो हमारे लिए जाने अनजाने में खुद ब खुद काम करेंगे। आप उनसे नहीं भी कहेंगे तब भी वो दूसरों से आपके सामान की, आपकी कंपनी की तारीफ कर रहे होंगे, तारीफ करेंगे और दूसरे भी उनके यूजर बनेंगे। और साथ ही साथ इसकी सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस स्लाइड का, वो ये जब आप इसका रिजल्ट क्रिएट करेंगे तो इसको देख करके, आपके लोगों को देख करके दूसरे लोग इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि सर या मैम आजकल आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें भी इसके बारे में बताइए। तो आप देखेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के साथ मेहनत करी, लेकिन वो पर्सन जबकि उससे आपने अपने बिजनेस की कोई बात नहीं करी है, आप सिर्फ उसके रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी जाने अनजाने में आपके लिए काम कर रहा है, आपकी कंपनी की तारीफ कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा है और वो अगला भी आपको रेफरेंस दे रहा है कि ठीक है, मैंने इसके थ्रू अपने आप को अच्छा किया है, आप चाहें तो आप भी इसके यूजर बन सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका काम आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, इसके बाद की जो हमारी स्लाइड है वो ऑलमोस्ट पिछली वाली स्लाइड से मिलती जुलती है। इसमें हमें क्या करना है कि अगर हम टीम के रिजल्ट का केयर कर रहे हैं तो हमें बहुत खास ख्याल उनकी डाइट पे भी करना है, हमें उनकी कैलोरी काउंटिंग पे भी करना है कि वो दिन भर में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सुबह के टाइम या ब्रेकफास्ट के टाइम शेक ले लिया, उसके बाद पूरे दिन भर वो हाई कैलोरी की चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं और फिर आपसे वो कहते हैं कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई भी यूजर अगर आपके हर्बल लाइफ के शेक को यूज कर रहा है, उसको वेट लॉस करना है अपना,
तो वो एक दिन में आपका शेक लेने के बाद बाकी के 24 आवर्स में क्या डाइट ले रहा है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितनी कैलोरी उसको मिल रही है, वो एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे दिन बहुत ज्यादा हाई कैलोरी वाली चीजें खाता रहता है और उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको उसकी 24/7 एक्टिविटी पे वॉच करना है। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि उसको ये लग जाए कि हर समय आप उसके पीछे पड़े हो, बस आपको कुछ इस टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि उसको ये लग जाए कि आप उसकी फिक्र कर रहे हो, आप उसकी चिंता कर रहे हो। दोस्तों यकीन मानिए कि इस चीज को आप सिर्फ अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच करके मत देखिए, आपको ऐसा ही करना है और अपने लोगों के साथ, अपनी इस फैमिली के साथ में, आपकी इस फैमिली के साथ में जो लोग भी आ रहे हैं, आप जब उनके बारे में कुछ इस तरह से सोच रखेंगे, इस तरह की जब मेंटेलिटी आप उनके बारे में रखेंगे, तो वो आपको प्यार करने लगेंगे, आपका उनके साथ रिलेशन मजबूत होता जाएगा, वो अपनी छोटी बड़ी सभी परेशानियां, हर सुख दुख में आपको अपने साथ में रखेंगे। आप धीरे धीरे देखोगे कि एक ऐसी मजबूत, आपको एक नई फैमिली मिलने वाली है कि जहाँ पे काम करने में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये स्लाइड पिछली स्लाइड से कनेक्टेड है, कि आपको अपनी टीम के रिजल्ट का केयर करना है, लेकिन ये रिजल्ट आप उनकी कैलोरी पे ध्यान रख करके भी करना है। क्योंकि वेट लॉस, वेट गेन करने में कैलोरी, दिन भर में हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये कैलोरी ईटिंग और कैलोरी बर्निंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वेट लॉस के लिए और वेट गेन के लिए। तो आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपने शेक के साथ साथ में बाकी की डाइट में क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। Respect your sponsor and every member of team. यानी कि आपको अपने sponsor की respect करना है। क्यों करना है वो मैं आपको बता दूं। आप believe करिए कि आज अगर आप इस amazing business में, इस amazing opportunity का एक हिस्सा हो, एक part हो, तो आप believe करिए कि आप अपने sponsor की ही वजह से हो। उस स्पॉन्सर ने ही आपको इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया, और सच पूछिए तो आज उसी की वजह से आज आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे चल करके, जिस पे आ करके आप ना सिर्फ अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर रहे हो, और एक ऐसे वर्ल्ड की तरफ आप दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हो जहाँ पे खुशियां ही खुशियां हैं। आपकी फिटनेस कमाल की होने वाली है, आपकी इनकम कमाल की होने वाली है, आपकी वो सारी चीजें, वो सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने स्पॉन्सर के लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि आज आप उसी की वजह से इस अमेजिंग फैमिली का आप हिस्सा हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ना सिर्फ अपने स्पॉन्सर की बल्कि अपने टीम के सारे लोगों की आपको रेस्पेक्ट करना है, उनको आपको इस तरह से ट्रीट करना है कि जैसे आप फैमिली के लोगों की रेस्पेक्ट करते हो, उनको प्यार करते हो, उनको उनका केयर करते हो, उसी तरह से आपको इस फैमिली को भी अपना मानना होगा। इस फैमिली में आपको बड़े छोटे सबका लिहाज करना होगा, सबकी रेस्पेक्ट करना होगा, सबके साथ आपका बिहेवियर एकदम अमेजिंग होना चाहिए। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट बहुत छोटे छोटे शॉर्ट वाले या ऐसे लग रहे हो कि शायद इस पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिलीव करिए दोस्तों कि ये एक जो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये दिलों का बिजनेस है। यहाँ पे रिजल्ट हम क्रिएट करते हैं, हम फैमिली बनाते हैं, हम हैप्पीनेस लेकर के आते हैं, हम लोगों को फिट करते हैं, लोगों की बहुत सारी परेशानियों से उनको निकालते हैं। तो फाइनली कहने का ये मतलब है कि आपको हमेशा अपने स्पॉन्सर की और अपने टीम के लोगों की हमेशा एक रेस्पेक्ट करनी है, उनके साथ एक प्यार मोहब्बत का एनवायरनमेंट बना के रखना है। तो इसके बाद चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने अगले पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 21 की तरफ आते हैं। वो पॉइंट क्या है कि डोंट फोकस ओनली वॉल्यूम पॉइंट आर बिजनेस। वैसे तो इस स्लाइड का जो कंटेंट है वो इससे पहले के स्लाइड में, पहले के कंटेंट में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इस स्लाइड के माध्यम से मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमें लोगों के रिजल्ट के लिए काम करना है, लोगों के फिटनेस के लिए काम करना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें उनकी ब्लेसिंग लेना है। जब हम ब्लेसिंग लेंगे
और हम उनको उनकी एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ दिन ब दिन आगे लेकर के जाएंगे तो खुद ब खुद हमारा काम, हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम सभी के साथ इस तरह का बिहेवियर रखेंगे कि इनकी वजह से हमारा बिजनेस चलेगा, ये नहीं आएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, और सबसे केवल बिजनेस 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 की तरह अगर बात करेंगे तो शायद हमारा काम उस स्पीड से नहीं चल पाएगा जैसा कि चलना चाहिए। तो हमें इस बात का बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है कि हमें केवल वॉल्यूम पॉइंट पर ही फोकस नहीं करना है, केवल अपने बिजनेस पर ही ध्यान नहीं देना है। आप देखोगे कि जब आपके साथ लोग आने शुरू हो जाएंगे, लोगों की टीम, लोगों की फैमिली बनती जाएगी, आपके वॉल्यूम पॉइंट दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, आपका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ सब एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। जल्दी कोई आपको छोड़ करके जाएगा नहीं और लोग आपके साथ हमेशा लॉन्ग समय के लिए बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात पे, इस पॉइंट पे भी आपको बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है। तो फाइनली दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इस अमेजिंग ट्रेनिंग के पार्ट नंबर 3 में कौन कौन से पॉइंट के बारे में वन टू वन बात करी। वो क्या है कि 17th नंबर पे हमने जाना कि हमें अपने डीएमओस पे काम करना है। डीएमओस के बारे में मैंने बहुत कुछ स्लाइड में बताया है और बहुत कुछ आगे के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा भी। फिलहाल के लिए हमने जो बहुत ही कुछ इजी डीमोस के बारे में बात करी वो ये कि आपको एवरेज पार्टी, शेक पार्टी करना है, लोगों से मिलना है, मुलाकातें करनी है, बात करनी है, लोगों को फ्लायर देना है, अपने बारे में बताना है। और 18th नंबर पे हमने बात करी कि स्पेशल केयर रिजल्ट ऑफ एवरी टीम मेंबर। हमें लोगों का बहुत खास ख्याल रखना है, हमें ये देखना है कि लोगों का रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो दिन ब दिन अपनी एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। 19th नंबर पे हमने उनके कैलोरी काउंटिंग के ध्यान रखने की बात करी कि हमें 24/7 उनकी एक्टिविटी पे वॉच करना है। वेट लॉस करने वाले क्या कर रहे हैं और वेट गेन करने वाले जो हमारे साथ में आए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, कितनी कैलोरी टेक कर रहे हैं दिन भर में शेक के साथ साथ में, और कोई वो ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने में प्रॉब्लम हो रही हो। 20 नंबर पे फ्रेंड्स हमने बात करी कि हमें रेस्पेक्ट योर स्पॉन्सर एंड ऑल टीम। हमें अपने स्पॉन्सर की रेस्पेक्ट करना है बिकॉज हम लोग उसी की वजह से आज इस बिजनेस में हैं, आज इस फैमिली में हैं, और अपनी टीम के सारे मेंबर्स की हमें दिल से रेस्पेक्ट करनी है। 21वें नंबर पे फ्रेंड्स हमने बात करी, डोंट फोकस ओनली वॉल्यूम पॉइंट्स और बिजनेस। यानी कि हमें केवल और केवल अपने वॉल्यूम पॉइंट और बिजनेस की ही बात नहीं करनी है, हमें केवल इन्हीं पर ही ध्यान नहीं देना है, हमें लोगों का केयर करना है और लोगों की ब्लेसिंग से ही हमारा काम चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और जब हम लोगों की केयर करना शुरू करेंगे तो हमारे वॉल्यूम पॉइंट दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे, हमारा बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, इसी स्लाइड के साथ, इसी बात के साथ मैं इस ट्रेनिंग के पार्ट नंबर 3 को यहीं पर फिनिश करता हूं, और बहुत ही जल्दी मैं इस अमेजिंग ट्रेनिंग का अगला पार्ट लेकर के आपकी सेवा में फिर से हाजिर होऊंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों कि इस स्लाइड में कही हुई बातों को मैं अच्छे से आपको अपनी बात बता पाया हूंगा और आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हर्बललाइफ बिजनेस को ज्वाइन नहीं करा है और आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा, कुछ अमेजिंग करना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बिना किसी देरी के एज सून एज इस अमेजिंग फैमिली का मेंबर बन जाइए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, जहां पे आने के बाद न सिर्फ आपको एक अमेजिंग हेल्थ मिलने वाली है बल्कि एक अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल करने वाला ये अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, हर्बललाइफ बिजनेस के बारे में, अपने वेट लॉस, वेट गेन के बारे में अगर किसी तरह की कोई आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके या सोशल मीडिया, फेसबुक या इंस्टा के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं फाइनली इस ट्रेनिंग को यहीं पे क्लोज करता हूँ। हम बहुत ही जल्दी अपने अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।